नमस्कार। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट सीरीज की यह पार्ट 5 वीडियो है। इस वीडियो में हमने सीरीज से संबंधित प्रश्नों को रखा है। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच नंबर और टर्म विल बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, अर्थात निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। प्रश्न संख्या एक देखते हैं, 4, 16, 64 क्वेश्चन और 1024। इसमें हम रूल खोजने की कोशिश करते हैं कि किस रूल के तहत यह सीरीज चल रहा है। तो हम देखते हैं कि 4 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 16, 16 को 4 से गुना करते हैं तो 64, इसी तरह से 64 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 256, और फिर 256 को अगर हम गुना करते हैं 4 से तो 1024 आएगा। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर आ रहा है 256। क्वेश्चन नंबर 2, 8, 27, 64, 125। तो इसकी विशेषता क्या हमें नजर आ रही है, 8 क्या है, 2 का क्यूब है यानी 2 का घन है। ठीक इसी तरह से 27 3 का घन है, 64 4 का घन है, 125 5 का घन है। घन का अर्थात आप समझते हैं कि 5 को हम 3 बार गुना करते हैं, 5 × 5 × 5 तो 125 आता है। तो अगला क्या होगा, 6 का घन होगा, 6 × 6 × 6 इस तरह से 6 का घन अर्थात 6 × 6 × 6 तो ये कितना आ जाएगा, 216। तो ये ऑप्शन 2 हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3, EAB EF IJ। तो यहां गौर करें, बी और एफ इसके बीच क्या छूट रहा है, सी डी, यानी ये गैप हो रहा है सी और डी का। ठीक इसी तरह से एफ और आई के बाद जी और एच, तो जे के बाद भी 2 छोड़कर आएगा, जे के बाद 2 होता है के एल, तो इसके बाद क्या आएगा, एम एन। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 23, 19, 15 क्वेश्चन मार्क और 7। यहां हमें स्पष्ट दिख रहा है कि हम यहां 4 घटता जा रहा है, 23 से हम 4 घटाते हैं तो 19 से 4 घटाते हैं तो 15, तो 15 से जब हम 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11, और 11 से 4 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो अर्थात हमारा आंसर हो गया 11। अब प्रश्न संख्या 5 देखें, इसको दाहिने ओर से पढ़ते हैं, जे के एल, देखिए यहां से जे के एल, उसके बाद यहां आ गया एम एन ओ, उसके बाद आ गया पी क्यू आर। तो अगर इसी तरह से चलेंगे तो आर के बाद क्या आ जाएगा, यहां एस टी यू, तो ये कौन सा हमारा आया, तीसरा नंबर। आप क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, 2, 7, 15, 26, 40, 57 और क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है, 2 से 7 के बीच ये अंतर है 5, ये 5 जुट जा रहा है, 7 से 15 के बीच क्या अंतर आ रहा है, 8 का, अरे 7 में 8 जोड़ रहे हैं और 15 में हम कितना जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, ये 11, और 11 में कितना जोड़े कि 40 आ जाएगा, ये 14, और 14 में कितना जोड़े कि 57 आएगा, 17। तो हम देख रहे हैं कि यहां 5 जोड़े, उसके बाद 8 जोड़े, 11 जोड़े, 14 जोड़े, 17 जोड़े, तो इसमें इस बार कितना जोड़ेंगे हम, 3 3 बढ़ता जा रहा है तो इसमें हम जोड़ेंगे 20,
57 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 77। अब सातवां नंबर देखें, क्यू एस टी वी डब्ल्यू एक्स जेड ए बी सी। तो यहां एक चीज हम देख रहे हैं कि हर में एक एक लेटर बढ़ता जा रहा है ना। पहले में एक लेटर है, दूसरे में दो लेटर है, तीसरे में तीन लेटर है, चौथे में चार लेटर है, तो पांचवें में निश्चित रूप से पांच लेटर होगा। ठीक है, तो ये देखें क्यू, तो क्यू के बाद क्या आता है, क्यू और एस के बीच क्या छूट रहा है, यहां आर, क्यू आर एस टी, तो उसके बाद क्या है यू, टी के बाद यू भी, भी डब्ल्यू एक्स, और यहां पर क्या है बीच में वाई एक्स वाई जेड। तो इसी क्रम में चलेंगे हम, तो सी के बाद यहां पर क्या गैप होगा डी, यहां शुरू होगा ई से, और यहां चार लेटर थे लगातार, देखिए जेड के बाद ए बी सी, तो ये यहां पर पांच होगा इसी तरह से, तो ई के बाद आएगा एफ जी एच आई। देखिए यहां पर एक लेटर था, दो तीन चार और पांच, और यहां बीच बीच में एक एक गैप जा रहा था, क्यू के बाद आर, टी के बाद यू, एक्स के बाद वाई, सी के बाद डी होगा। तो ये हमारा आंसर आ रहा है ई एफ जी एच आई, तो ये कौन सा है दूसरा वाला है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, एम डब्ल्यू जी क्यू। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको याद है या नहीं, नहीं बता सकते हैं, तो याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे कि इस तरह के प्रश्नों में हम रफ में ये ए बी सी डी लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई, पांच पांच लिखेंगे, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू वाई और जेड। आप इस यहां पर देखेंगे ए मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 है, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। हो सके तो आप इसे याद कर लें तो और अच्छा रहेगा। अब देखते हैं M, तो M का नंबर क्या है 13, ये M है 13, W का 23 है ना, और G कितना है 7 है ना। तो यहां पर एक चीज हम देखें कि 23 के 13 के बाद 10 जोड़ने से 23 आता है, तो 23 में हम 10 जोड़ेंगे, यहां पर हम अगर 10 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 33 है ना। तो अगर हम 26 के बाद हमें 33 लाना है, तो 26 के बाद और कितना चलेंगे, 33, 26 के बाद हो जाएगा हमारा, 26 के बाद देखिए यहां से फिर से गिनते हैं, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, देखिए ये आ गया ना 33, जी आ गया, ये 33 हो गया,
ठीक है। अब इस 33 में अगर हम 10 जोड़ते हैं, यानी यहां 7 है ना, 7 में हम 10 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। तो देखिए Q आ गया, ये आ गया 17। तो इस तरह से अगर हम 17 में हमें फिर देख रहे हैं कि सब में 10 10 जुड़ता जा रहा है, तो 17 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27। 27 यानी यहां जेड में 26 है, तो 27वां कौन होगा, ए हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ए। इसे मैं एक बार फिर से समझाता हूं। इस तरह के प्रश्नों में हमने क्या किया, ए बी सी डी जेड तक लिखा और सभी में नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि M हमारा 13 नंबर में है, W 23 नंबर में है, तो ये 10 बढ़ चुका है। तो अगर हम देखते हैं कि 23 में 10 जोड़ते हैं तो 33, तो 33वां नंबर कौन सा होगा, तो हम देख रहे हैं 26 में ये है, तो इसके बाद फिर से हम A से चलेंगे, 27 से, तो 26 के बाद ये हो जाएगा हमारा यहां 27 28 29 30 31 32 33, है ना। तो 33 ये जी आ गया, यानी ये वास्तव में 7वें नंबर पर है। तो 7 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 17वें नंबर पर फिर से आ जा रहा है क्यू, तो बिल्कुल हमारा नियम सही चल रहा है। तो फिर हम 17 में 10 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, अर्थात 26 के बाद 27वां हमारा ए आ जाएगा। आशा है क्लियर हो गया होगा यह प्रश्न। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए अगर हो सके तो आप ये एबीसीडी का नंबरिंग याद कर लें, और नहीं तो सबसे अच्छा उपाय है कि इसे रफ में अपने क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर पर रफ में इसे लिख लें। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, वाई डब्ल्यू यू क्वेश्चन मार्क क्यू ओ। तो यहां हम उल्टा चलते हैं, इधर से O और Q इसके बीच क्या होना चाहिए था, जो नहीं है P, O P Q। चलिए अब यहां पर हमें नहीं पता है, हम इधर देखते हैं, U के बाद V, U V W, W के बाद ये X Y, यानी एक छोड़ छोड़कर जा रहा है, ये हमें एकदम क्लियर हो गया नियम। तो Q के बाद क्या होगा, R, और यहां क्या होना चाहिए, S, तो ये हमारा हो गया S। अब आप देखें प्रश्न संख्या 10, तो 2 से 5 इसके बीच क्या अंतर है, 3, 5 से 10 के बीच क्या अंतर है, 5, 10 से 7, 7। तो देख रहे हैं कि अंतर कितना कितना जा रहा है, 3 5 7, तो इसके बाद का अंतर क्या होगा, निश्चित रूप से 9 होगा। तो 17 में 9 जोड़ेंगे तो कौन सा हमारा आता है, 26। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए, अब इस तरह के प्रश्नों को आप स्वयं हल कर सकेंगे।